भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके तपस्या से जो मैंने लोकसभा में प्रस्ताव रखा था कि हमें रामायण सर्किट चाहिए, हमें इस बिहार के अंदर वो रामायण सर्किट से बक्सर को जोड़ते हुए और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके नेतृत्व में जो देश भर में सर्किट बने, मुझे गर्व है कि मैं बक्सर का जनसेवक हूँ और जो जो प्रस्ताव मैंने पार्लियामेंट में 2014-15 में रखा प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पर मुहर लगा दी गई। रामायण सर्किट के बारे में कहा था, रामायण सर्किट देश भर में बन गए और बिहार के बक्सर और सीतामढ़ी जनकपुर धाम में ये यात्रा रामायण एक्सप्रेस दक्षिण से चल करके वहाँ जाएगी। भाई और बहनों, आप सबको मालूम होना चाहिए किसी बिहार में कांवरिया सर्किट अजगैबीनाथ धाम से लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम तक, यह भी मैंने प्रस्ताव रखा था, वो भी भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत हो गया। मंदार सर्किट जहाँ समुद्र मंथन हुआ था बाबा मत्स्योदर भगवान बौसी, आज का मंदार सर्किट भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उसकी भी स्वीकृति हुई। जैन सर्किट भागलपुर के चंपापुरी चंपा जैन, जहाँ उनके अवतरण की भूमि और जन्मभूमि, आज वो भी जैन सर्किट के रूप में सुविख्यात हो गया। देश में बुद्ध सर्किट और अनेक सर्किट भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की सांस्कृतिक एकता को, देश की अखंडता को, देश की एकात्मता को एक सूत्र में, अगर कभी जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत को तमाम दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम को जोड़ने का काम किया था, देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, तो आज के उस जगत गुरु शंकराचार्य के, स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत बनाने के लिए आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की एकात्मता अखंडता को एक सूत्र में बांध करके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अर्जित करने का काम किया है। हमें सबके प्रति विश्वास अर्जित करते हुए, सबका साथ देते हुए इस देश को प्रगति के राह पर आगे लेकर के चलना है। हमें ऐसा है, अगर राम का नाम लेने पर आप पर मुकदमा चले तो हम लोग तैयार है, राम का नाम लेंगे ही, जीवन भर लेंगे, मरते दम तक, मरने के बाद भी राम का नाम लेते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है दंगा भड़काने का, तो ये तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। वैसे हम लोग दंगा के प्रेरक नहीं रहे हैं, हम लोग तो भगवान राम के वंशज हैं और भगवान राम जो है मर्यादा का पालन किए थे, हम लोग भी मर्यादित तरीके से अपनी बातों को कोर्ट में रखते हैं, सड़क पर नहीं रखते। रेल मंडल से आए समस्त अधिकारीगण और इस बक्सर में जो रामायण सर्किट से जो चली हमारे रामायण एक्सप्रेस से जो हमारे तीर्थ यात्री इस बक्सर स्टेशन पे पधार रहे हैं, और साथ ही साथ बक्सर स्टेशन के प्रांगण में आए हुए समस्त हमारे रेल यात्री और अन्य यात्रीगण, मैं बक्सर स्टेशन पे दानापुर मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ